मिशन राजस्थान पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। जयपुर में रैली के दौरान शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं राहुल। एनपी और नेशनल हेराल्ड को लेकर स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर निशाना, बोली कांग्रेस अब पूरी तरह से हुई एक्सपोज, कांग्रेस की नीतियों ने देश को किया बर्बाद। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ से जारी किया वीडियो, कहा ईडी और सीबीआई मुझे फंसा रहे हैं, मैं नहीं करूंगा सरेंडर। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बोली मायावती, कांग्रेस की राह पर चल रही है बीजेपी, मायावती के बयान से महागठबंधन में दरार के संकेत। बिहार के सीतामढ़ी में भीड़ का कहर, मामूली विवाद पर युवक की पीट पीट कर हत्या, हिंसा मामले में 150 लोगों पर FIR दर्ज। बिहार के सासाराम में लूट के आरोपी की हत्या, भीड़ ने 35 लाख रुपए लेकर भाग रहे आरोपी की हत्या की, रेलवे के बुकिंग क्लर्क से पैसे लूट कर भाग रहा था आरोपी। छत्तीसगढ़ के नब्ज भांपने में जुटी मायावती, बसपा राज्य में करा रही है सीक्रेट चुनावी सर्वे, 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे कार्यकर्ता। IRCTC स्कैम घोटाले में टली सुनवाई, 17 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगा फैसला, लालू राबड़ी तेजस्वी पर लगा है आरोप। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार ने खेला हिंदू कार्ड, 25,000 दुर्गा पूजा कमेटियों को दी सौगात, व्यवस्था के लिए 10-10,000 देगी सरकार। तेलंगाना के जगातियाल में बड़ा बस हादसा, 6 बच्चों समेत 28 की मौत, 30 घायल, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से की बात, पीएम ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया पारिश्रमिक। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा गांव में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, लश्कर के आतंकियों के रूप में हुई पहचान। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल और डीजल में प्रति लीटर 14-14 पैसे का इजाफा, दामों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। आधार के जरिए सोशल मीडिया की निगरानी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट में UIDAI दाखिल करेगा जवाब। किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखा पत्र, ट्रंप के साथ एक और बैठक की जताई इच्छा, व्हाइट हाउस ने पत्र को बताया सकारात्मक। ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के स्किट जूनियर स्पर्धा में भारत को मिला रजत, गुरनिहाल सिंह गर्जा आयुष रुद्र राजू की टीम ने हासिल किए 355 अंक। नेशंस लीग में पुर्तगाल को मिली सफलता, आंद्रे सिल्वा के गोल से जीता पुर्तगाल, पुर्तगाल ने दी इटली को 1-0 से मात। बिग बॉस सीजन 12 लेकर आ रहे हैं सलमान खान, आने वाले सीजन के लिए मांगे 300 करोड़ रुपए, हर वीकेंड एपिसोड के लिए लेंगे 14 करोड़ रुपए। और बॉलीवुड में आ रही है हरियाणा की फेमस डांसर सपना चौधरी, फिल्म दोस्ती के साइड इफेक्ट्स में आएंगी नजर। और फिल्म बधाइयों का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म में ज्यादा उम्र में माँ के दोबारा प्रेग्नेंट होने की दिखाई गई है कहानी, मुख्य किरदार निभा रहे हैं आयुष्मान। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।